काशी राम जी ने अपनी शादी क्यों नहीं करी उसके बारे में बताएं, और जो मूवमेंट्स था उसके बारे में बताएं कि उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य करा जो आज बहुजन समाज के लोग उनका जन्मदिवस इतने अच्छे से मनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय काशीराम साहब के 85वें जन्मदिवस की पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा, और ये बताना चाहूँगा कि माननीय काशीराम साहब का जन्मदिवस पूरी दुनिया के अंदर बहुजन समाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका जो सवाल है वो शायद इसी में छुपा हुआ है कि इसको हम बहुजन समाज दिवस क्यों कहते हैं। बहुजन समाज दिवस कहने का मतलब ये है कि इस देश के अंदर लंबे समय से, हजारों साल से, एक बहुत बड़े हिस्से को, माननीय काशीराम साहब कहते हैं कि लगभग 85% संख्या को भारत में उसके मूल अधिकारों से वंचित रखा गया, उसको तोड़ के रखा गया, उस के इन्होंने हजारों टुकड़े किए और लगभग 7,000 जातियों में इन लोगों को तोड़कर काल कोठरियों के अंदर रखा गया। इन 7,000 जातियों, उपजातियों, उपसमूहों में तोड़ के रखे गए समाज को जोड़ने का प्रयास माननीय काशीराम साहब ने किया, और जब ये समाज जुड़ जाएगा तो वो समाज बहुजन समाज होगा। माननीय काशीराम साहब ने अपने पूरे जीवन को इस एक विचार के लिए लगा दिया, इसलिए इस दिन को बहुजन समाज दिवस के रूप में मनाया जाता है कि किस प्रकार से बहुजन समाज का निर्माण हो सके। ये जो टूटे हुए लोग हैं, ये छितराए हुए लोग हैं, ये जो बिखरे हुए लोग हैं, जो एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध नहीं रखते हैं, वो लोग एक व्यवस्था के द्वारा पीड़ित हैं। तो जितने भी लोग जातिवाद के द्वारा पीड़ित हैं, जिनको ना सिर्फ गुलामों की तरह रखा गया बल्कि इतने लंबे समय तक गुलामों की तरह रखा गया, तो माननीय काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन इस समूह को इकट्ठा करने में, उसके राजनीतिक अधिकारों को इनको दिलाने में और इसको शासक वर्ग बनाने में लगाया, इसलिए माननीय काशीराम साहब एक अद्भुत शख्सियत है। बहुत अच्छे से आपने बताया। रचमन जी, एक बात बताइए कि काशीराम साहब ने एक बात कही थी कि मैं आपको ऐसा बना दूंगा, आपके समाज को ऐसा बना दूंगा कि IAS IPS तक आपको सलाम मारेंगे, तो ऐसा क्यों कहा था उन्होंने और ऐसा क्या करने से सलाम मारेंगे उसके बारे में भी बताएं। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को कह सकता हूँ कि ये शायद 85-86 की बात होगी। उस समय पे मैं भी 15-16 साल का नवयुवक था। उस समय कहीं मुझे ये सुनने को या पढ़ने को मिला कि हमारा अंतिम उद्देश्य भारत पर शासन करना है, और जब ये सेंटेंस मुझे सुनने को मिला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और यकीन मानिए, आज भी जब मैं इस सेंटेंस को बोलता हूँ या सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये लगता है कि ऐसा समाज जिस समाज को चारपाई पर बैठने का हक नहीं था, ऐसा समाज जिसको खाना खाने का हक नहीं था, ऐसा समाज जिसको पढ़ने का हक नहीं था, ऐसा समाज जिसको एक सम्मानित जिंदगी जीने का हक नहीं था, वो समाज अपने लिए एक इतना महान उद्देश्य स्थापित कर रहा है, इतना बड़ा उद्देश्य बना रहा है। बाबा साहब ने जिस बात को कहा था कि छोटा उद्देश्य बनाना अपराध है, एमिंग लो इज ए क्राइम, तो उसकी संपूर्ण परिकल्पना को अपने अंदर सजोकर माननीय काशीराम साहब ने हमारे लिए एक विजिबल ऑब्जेक्टिव सामने रख दिया, आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव सामने रखा कि हमारा अंतिम उद्देश्य राजनीति में, हमारा अंतिम उद्देश्य भारत का शासक वर्ग बनना है। जब भारत का शासक आप बनेंगे तो फिर आपका जो सवाल है कि IAS IPS या और दूसरे उच्च अधिकारी किसके आगे पीछे घूमते हैं, किसका आदेश मानते हैं, वो शासक वर्ग का आदेश मानते हैं, वो मंत्रियों का आदेश मानते हैं, वो मुख्यमंत्री का आदेश मानते हैं, वो प्रधानमंत्री का आदेश मानते हैं। माननीय काशीराम साहब ने ये वाकया जो आप कह रहे हैं वो बैंक कुमारी मायावती जी के संदर्भ में है, जब वो late 70s में IAS की तैयारी कर रही थी, उस समय पे बहन जी से मुलाकात माननीय साहब की होती है, और बहन जी जब उनको बताती हैं कि मैं IAS की तैयारी कर रही हूँ, तो माननीय काशीराम साहब ने उन्हें कहा कि आप IAS की तैयारी करके क्या करोगे, समाज में हर साल सैकड़ों IAS बनते हैं लेकिन समाज की स्थिति लगभग उसी तरीके से बनी हुई है, मैं आपको उस पोजिशन पर पहुँचाऊँगा जहाँ सैकड़ों IAS IPS अधिकारी आपके आगे पीछे घूमेंगे, आपका कहना मानेंगे। अगर आप सही में सामाजिक परिवर्तन लाना चाहती हैं तो आपको राजनीति में आना चाहिए, और माननीय काशीराम साहब की उस बात को मानकर बहन जी राजनीति में आई, और आप जानते हैं कि 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी। उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री बनना कोई छोटा काम नहीं है। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या को ही देखा जाए तो ये अगर देश हो,
दुनिया के अंदर तो छठे नंबर का देश उत्तर प्रदेश बनेगा, इतनी बड़ी जनसंख्या 22-23 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो मान्यवर साहब का यही कहना था कि आईएएस आईपीएस तो एक डिग्निफाइड क्लर्क के रूप में है, उनकी इम्पोर्टेंस है लेकिन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, हमें राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में आके इस देश का शासन अपने हाथ में लेना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को इसके मुकाम तक पहुँचाया जा सके।